घबराइए मत, ये हमारे ही आदमी है, आप बेखौफ होकर बताइए। सर हमारे पड़ोस में एक मकान में कुछ नौजवान, शायद 5-6 लोग होंगे, वो रहने आए हैं सर। उनका घर हमारे मकान के पास है सर। सर उनका एटीट्यूड को सही नहीं है, मुझे पूरा शक है कि वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है सर। जहीर साहब को ये फाइल पहुंचा दो। यस सर। यस मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर माय नेम इज स्वाति जोशी, मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं आपकी पलटन की एक्टिविटीज को अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग करती हूँ सर। मिस स्वाति जोशी, ऑल व्हाट यू सेड इज द पास्ट। मुझसे पहले जो यहाँ सीओ थे कर्नल सजवान, उनका वर्किंग स्टाइल डिफरेंट था और मेरा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है। आई नो सर, एक्चुअली सर मैं और लेफ्टिनेंट गिरी साथ में काम करते थे, हम दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा था। वो मुझे न्यूज और इन्फॉर्मेशन में हेल्प करते थे, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, फिर ये अचानक से प्रॉब्लम। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा मिस स्वाति जोशी कि आप लेफ्टिनेंट गिरी को भूल जाइए, उनके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कंप्लीट करने के लिए, इसलिए उनकी जगह हमने एक और कम्युनिकेशंस ऑफिसर को डिप्यूट किया है। शी इज अ वेरी स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन ऑफिसर। शी क्यों? शी सुनके सरप्राइज क्यों हो गई? नो नथिंग। शी इज अ हाईली ट्रेन्ड टेक्निकली सेवी ऑफिसर। हर नेम इज कैप्टन रजनी शेखावत। वन मिनट। हेलो, कैप्टन रजनी शेखावत मेरे ऑफिस में भेजिए अर्जेंटली। आती होंगी? यस सर। फाइव सिक्स टू सेवन रासिक एट जीरो सेवन सिक्स सुब्बू सर प्लीज, ये फोन चल रहा है, बार बार उसे क्यों छेड़ रहे हैं? लिस्ट बनाने दीजिए ना। क्या ये एक्चुअली तुमने एक बात नोटिस किया? नहीं किया सर। तो करो ना, आज जो सीओ सर ने स्वाति को बुलाया लेकिन तुमको नहीं बुलाया। तो सुब्बू सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सीओ सर के ऑफिस में जाऊं और उनको कहूं कि सर आप कॉल कीजिए और मुझे बुलाइए। सर जब उनको मेरी जरूरत होगी वो बुला लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? लिस्ट बनाने दीजिए मुझे। यार ये टेंशन का बात नहीं है, वो पहले वाला सीओ कैसे स्वाति आता था, तुमको बुलाता था, तुम दोनों मिलके वो पलटन का न्यूज अपडेट करता था, तुम उनको हेल्प करता था ना? सर ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। जो हमारा डिपार्टमेंट नहीं उसके बारे में क्यों सोचना? नए सीओ सर आए हैं, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। जब मुझे ऑर्डर देंगे कि गैरी ये काम करना है तो गैरी चुपचाप वो काम कर लेगा। क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं आप? इतनी लिस्ट बनानी है मुझे? क्या रे तुम समझता नहीं है, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो स्वाति को बुलाया और तुमको क्यों नहीं बुलाया फिर? सुब्बू सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, सीओ सर मुझे नहीं बुला रहे तो परेशान मुझे होना चाहिए ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है सुब्बू सर?
प्रॉब्लम मतलब तुम सीरियस नहीं, इसके लिए मेरे को डबल सीरियस होना पड़ता है। तुम देखना वो नया सीईओ है ना, वो कैप्टन रजनी को पीआरओ बना देगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, और तुम देखते रहेगा। मैं कहता हूँ जो बनाना चाहते हैं बना दें, उनके हाथ में पावर है, लेकिन मुझे लिस्ट बनानी है, वरना वो कैप्टन रजनी मुझको फायर करेगी और मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो रजनी का फायरिंग तुमको अच्छा। दो कप कॉफी बनवा सकते हैं? ओके। रण कॉफी खिड़की आया, दो कॉफी भेजना, स्ट्रॉन्ग वाला, सुपर गर्म। क्या नाम बताया था आपने? स्वाति जोशी। स्वाति जोशी, शी इज अ रिपोर्टर फ्रॉम अ न्यूज़ चैनल। हेलो। आज तक हमारी पल्टन की सारी न्यूज लेफ्टिनेंट गैरी ने देते थे, आज से आप देंगे। इज दैट फाइन विद यू? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मुझे तो सिर्फ न्यूज से मतलब है, सोर्स कोई भी हो, और अगर आपने डिसाइड किया होगा तो डेफिनेटली अच्छा ही किया होगा। Definitely, it's a decided, बहुत specialized officer है Captain Rajni, and I'm sure she's a very capable officer as far as communications is concerned. तो आपका कहने का मतलब है सर कि आज से सारी न्यूज़ मुझे ये देंगी? It depends. अगर कैप्टन रजनी ठीक समझेंगे कि भाई कौन सी न्यूज पल्टन की आपके पास जानी चाहिए, वो न्यूज आपके पास पहुंचे। Yes. So, मिस स्वाति, हम लोग चले, हम लोग मेरे रूम में चल के बात करते हैं, वहीं चल के हम लोग सारे डिसीजन लेते हैं। श्योर, थैंक यू सर। ओके सर। जो नए सीओ साहब आए हैं, जल्दी लाइन पे लगाएंगे इनको भी। ठीक है राम सिंह, अब सीओ साहब से मिलूंगा तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगली बार आपको एलओसी पार भेजे। फिर गोली पैर पर नहीं, सीधे देश के। बस आप रहने दीजिए। वैसे भाई लोग, एक तो बात एकदम साफ है, जो नए सीओ साहब आए हैं, टाइम को तो पक्के हैं ही, मगर तो एक्शन लेने में तो उस्ताद है। देखिए कैसे जवान और अफसर सबको एकदम लाइन पे ला दिए हैं, नस पकड़ लिए हैं सबका एकदम। हाँ, अरे यार राम सिंह, तुम करेक्ट बोला है। पता है, यू नो व्हाट, जो नया सीओ सर है ना यार, वो ऑफिसर्स को भी बिल्कुल अटेंशन में रखता है। यार पता है, मुझे फास्ट एक्शन लेने वाले लोग पसंद है, तुरंत फैसला करो और एक्शन लो, ये ना दुश्मन तभी सीखेगा। और शांति वांति में कुछ नहीं लग रहा यार। हाँ दीदार सिंह जी, भाजी मैं जानता हूँ कि तुम्हारा खून जो बड़ा गर्म है, तुम करो या मरो की पॉलिसी पे बात करते हो, लेकिन एक बात बताऊं दोस्त, जब फैसला दो देशों का होता है तो जो फैसले होते हैं ना, वो जोश में नहीं होश में लिए जाते हैं, समझे? क्यों जॉनी? भाई एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो सीओ सर है ना, हम दीवान को बनाते थे। है कि नहीं? मतलब हर काम हर एक्शन बड़े ही आराम से होगा, भले ही दुश्मन हम अपना तंबू में आ जाए। और भाई ए जॉनी भाई, मर्दी फिर तो हो लिया दीवान भाई, वो कहा है कि एक्शन जो है तुरंत लेना पड़ता है, समझे? देश की सुरक्षा का सवाल रहता है, और आप सीओ बन गए फिर तो आप भग लिए, हो गया देश का कल्याण। तुम लोगों को मेरी हर बात मजाक क्यों लगती है? और देखो अब मैं पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और चुस्त हो गया हूँ, और एक बात पता है, पंडित जी ने भी मेरी कुंडली में यही लिखा है। अच्छा दीवान सिंह, बड़ा चुस्त है तू, तेरी पोल खोलूं मैं अभी? इसकी बहन ने मुझे बताया था कि जब पंडित जी इसकी कुंडली लिख रहे थे तो कहा था कि सेहत से ना चुस्त नहीं होगा, सुस्त होगा, और इसने मिटा के चुस्त कर दिया था। यार तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो, बहुत फेंकता है। अच्छा तुम लोगों की एक बात पता? क्या? वो जो नई कैप्टन आई है, क्या नाम उनका, रागिनी मैम? नहीं नहीं, रजनी मैम, रजनी मैम, वो है ना, वो कायदे और कानून की बड़ी पक्की है,
और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कैप्टन है। क्या कैप्टन? लो बेटा फिर तो हो गया, आप तो सुब्बू सर एकदम खुश हो रहे होंगे। हाँ क्यों 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 क्यों? अब गैरी सर को बार बार सल्यूट मारना पड़ेगा रजनी मैडम को। सही कह रहा है। एक बात तो है, गैरी सर और सुब्बू सर से अपन डरता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो नया सर है ना, क्या पठानी सर, यार उससे थोड़ा केमिस्ट्री बनने में ना, बॉन्डिंग बनने में टाइम लगेगा। पर भाइयों एक बात तो है, अपने सीईओ सर ना बहुत अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे ऑफिसर भी है। जैसे हम अपने घरों में पिताजी हमारा ख्याल रखते हैं, हमें सेफ रखते हैं, वैसे अपने सीईओ साहब भी हमें सेफ रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तभी तो इंडियन आर्मी में हर पलटन अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहती है। ठीक है जी, जी। मुझे आपसे ये जानना है कि आपने आर्मी क्यों ज्वाइन की? I mean, you know, I just love this uniform. इसको पहनने के बाद से किसी भी आदमी की पर्सनालिटी कितनी चेंज हो जाती है ना? In fact, Gary looks very handsome in this uniform. Miss Swati, शायद आप ये भूल रही हैं कि हम यहाँ पर ये डिस्कस करने नहीं आए हैं कि आपको ये यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लगती है, मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन की, या फिर गैरी आपको इस यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लगता है। So, let's talk about the business. I'm sorry, Captain Rajni. मैं अपने चैनल को रिप्रेजेंट करती हूँ और इस बटन की सारी न्यूज जो भी होती है उसको एडिट करके टेलीकास्ट के लिए भेजती हूँ, और इस काम में गैरी मेरी बहुत हेल्प करता है। मैम, गैरी इज नॉर्थी इन चार्ज ऑफ दिस सेक्शन। सीईओ सर ने अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो आपको कौन सी न्यूज जानी चाहिए और कौन सी नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। स्टार्ट क्लियर? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पहले गैरी के साथ डील करती थी, अब आपके साथ करूंगी, कोई इशू नहीं है मैम। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि गैरी बहुत ही हेल्पफुल था, कभी उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। गैरी 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 क्या लगा रखा है आपने? ही इज एन ऑफिसर। और दूसरी बात यह कि अब आपको इस प्रेमिसेस में आने की कोई जरूरत नहीं है। What do you mean? मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप क्या कह रही हैं? अगर मैं यहाँ नहीं आती हूँ तो यहाँ की न्यूज इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? मिस स्वाति, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Now I am the communication officer, specially assigned to do this work. Okay? आपकी न्यूज आपके चैनल तक पहुंच जाएगी। Don't worry about that. Thank you very much, Captain Rajni. और स्पेशली थैंक यू इसलिए कि आपने टाइम निकाल के मुझसे बात की। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, आपके बात करने का ढंग बहुत ही गलत है। यू आर सो रूड। रूड नहीं, प्रोफेशनल है मिस स्वाति। थैंक यू वेरी मच कैप्टन रजनी फॉर रीडिफाइनिंग मी प्रोफेशनलिज्म। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ। नाइस मीटिंग यू Captain Rajni. Thank you. मुझे एलओसी पर सख्त पहरा चाहिए। दुश्मन की हर छोटी सी छोटी हरकत पर नजर रखो। हाँ, वहां पहुंचते ही मुझे सारी रिपोर्ट दी जाए। जनाब। बोलो कैप्टन, क्या खबर है? मुझे बड़ी बेसब्री से किसी खौफनाक वारदात का इंतजार है। जनाब दरअसल बात ऐसी है, खबर कुछ अच्छी नहीं है। दुश्मन को हमारे भेजी हुई पार्टी पर शक हो गया है। जी जनाब, उनका कहना है कि उनके मोबाइल नंबर्स भी ट्रेस किए जा रहे हैं।
और उनके आसपास के लोग भी उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। पहले तो पनाह बड़े शौक से दी जाती थी और मदद भी की जाती थी। जनाब वक्त बदल रहा है, अवाम दहशत गर्दी और वारदातों से परेशान हो गए हैं। जी जनाब, शफकत अली ठीक कह रहे हैं, नुकसान तो दोनों का होता है। खामोश। मैं यहाँ तुम लोगों की नसीहत सुनने के लिए नहीं हूँ, और हाँ अपने सोर्सेस से वहाँ पैगाम पहुँचा दो कि वो लोग बिना किसी वारदात को अंजाम दिए वापस नहीं आने चाहिए। जनाब हमने सुना है कि उनके नए कर्नल साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं और फॉरेन एक्शन लेने वाले हैं। कौन साहब? यहाँ साहब हम हैं। तुम्हें आर्मी में रहना है या नहीं, तुम लोगों को जितने ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन्हीं की तामील होनी चाहिए। मुझे हार बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उनके प्लान ऑफ एक्शन में देरी हो रही है तो आप लोग यहां से किसी और ग्रुप को एलओसी के पार भेजने की तैयारी करो। जी जनाब। जनाब मैं आज ही कॉन्टेक्ट करके आपको इत्तला करता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ दुश्मन को चैन से बैठने नहीं दूंगा। फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। जनाब जवान का पेट अंदर और सीना बाहर। दीवान सिंह पेट अंदर करो। अभी दौड़ ताल शुरू करें और शुरू कर। और जोर से। अरे तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? दीदार सिंह हम अब जंप लगाएंगे। जंप शुरू कर। और ऊंची छलांग लगाए। सिद्धार्थ सिंह दुश्मन अटैक कर रहा है, फायरिंग पोजीशन ले। गुड, आराम से। मैं आ रहा हूं। ऑफिसर्स, ऑपरेशन गुलरेज की सक्सेस के बाद दुश्मन बौखला गया है। आज भी दुश्मन ने एलओसी पर फायरिंग की है। इससे साफ जाहिर होता है कि डेफिनेटली मिलिटेंट्स उस पार से इस पार आ रहे होंगे। कैप्टन रजनी विल ब्रीफ यू ऑन दिस। सर डेफिनेटली कुछ लोग एलओसी क्रॉस करके इस पार आए हैं और मैंने कुछ नंबर्स भी ट्रैक किए हैं जिनके लिस्ट मैंने लेफ्टिनेंट गैरी को दी। लेफ्टिनेंट गैरी, एनी रिजल्ट्स? सर वो नंबर्स की लिस्ट है जो वो मैंने मोबाइल कंपनी को दे दी है और उन्होंने कहा है कि आज शाम तक इस बारे में पूरी डिटेल्स हमें मिल जाएगी। लेफ्टिनेंट गैरी आपको उनको प्रेशराइज करके ये काम जल्द से जल्द करवाना है। आपको पता है ना ये कितना सीरियस मैटर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आप मीडिया को अच्छी तरह से जानती हैं। वो न्यूज ढूंढते हैं, उनको लगे कि कब ब्रेकिंग न्यूज मिले और उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर वो टीवी पर चलाएं। और जो टीवी चैनल्स पर न्यूज चलेगी कि आर्मी सिविलियंस पर अत्याचार कर रही है, उन्हें प्रेशर डाल रही है, तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक जो गैरी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है।
एक्चुअली बहुत जल्द हमारा सॉफ्टवेयर आने वाला है, और एक बार हमारा सॉफ्टवेयर आ गया तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। कैप्टन पठानिया, यस सर, आप लेफ्टिनेंट गैरी के साथ जाएं एंड यू सी टू इट कि ये लिस्ट जो है जल्द से जल्द तैयार हो जाए। जी सर। सुबू सर, इसमें कुछ एड्रेसेस हैं, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ हैं। चेक दीज एड्रेसेस प्रॉपर्ली, क्योंकि हमें एक बहुत रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली है कि दुश्मन एक बहुत ही खतरनाक साजिश रचाकर जान माल का भारी नुकसान करवाना चाहता है, और ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है ये बहुत रिलायबल सोर्स से मिली। बिल्लू साहब ने भी तफ्तीश की है जिससे कि हमें पता चला है कि बहुत सारे चेहरे हैं जो शक के दायरे में आते हैं। सर, क्या लोकल पुलिस को इस बारे में नॉलेज है? Yes, sir. They are aware of it. Right, sir. मैं उस जगह पे रेड करने के प्रिपरेशन के लिए एक एक्शन प्लान बना देता हूँ सर। वेरी गुड सर, अपने साथ कुछ जवान लेकर जाइएगा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैजुअलिटी हो। रिमेंबर वन थिंग, मेरे लिए इस पलटन का हर आदमी कीमती है, चाहे वो जवान हो या ऑफिसर। यस सर। बिल्लू साहब, सर आप सुबह के साथ जाइएगा। यस सर। सर मैं वहां काफी लोकल्स को भी जानता हूँ। दैट्स वेरी गुड, गेट रेडी फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन। याद रहे, कोई भी वारदात हो जाने से पहले आपको एक्शन लेना होगा। And I repeat once again, no casualties. Yes, sir. Sir. All the best. Wish you luck. Thank you, sir. Yes, sir. Jai, 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 Jai. Jai. सिंह, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं, मगर आजकल देशों के ताल्लुकात बहुत ही पेचीदा हो गए। मतलब ऊपर लेवल की बातें हमारे तुम्हारे समझ से परे। असल जी, पर हमको भी एक तो बात आज तक समझ में नहीं आई, जो लोग वारदात करने के लिए आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं, साहब जी लोग आर्मी वाले तो है नहीं साहब जी, फिर काहे के लिए ये लोग अपना देश, अपना घर परिवार, बाल बच्चा को छोड़ करके ये सब काम करते हैं? आखिर मिलता कहाँ है लोगों?